और कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में कई बड़े नेताओं के बयान जारी हैं और इसी विवाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कूद गई हैं। प्रियंका का कहना है कि ये महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिजाब किताब विवाद पर अपनी राय रखी है और लिखा है, बिकिनी हो, घूंघट हो, जीन्स या फिर हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। महिलाओं को ये अधिकार संविधान की ओर से दिया गया है, महिलाओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। अपने ट्वीट में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जिक्र भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। प्रियंका के ट्वीट पर राहुल गांधी ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। आपको बता दें, हिजाब विवाद पर अभिनेता से नेता बने मक्काल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हसन ने भी ट्वीट किया और लिखा, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में जो हो रहा है वो तमिलनाडु में नहीं होना चाहिए। राज्य में प्रगतिशील ताकतों को ऐसे समय में अधिक सावधान रहना चाहिए। आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। विवाद इतना बढ़ गया है कि स्कूल और कॉलेज राज्य में 3 दिनों के लिए बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी स्कूलों में ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में मलाला यूसुफजई का ट्वीट आ चुका है। राहुल गांधी इस मामले में कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी इस कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ गया है और अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।